हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य अकादमी का डायरेक्टर एक बार फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं। जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि किस तरह का आज का वीडियो धमाकेदार होने वाला है। जो क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारा क्वेश्चन का आज डाउट क्लियर मैं आप लोगों को कराऊँगा और बहुत ही बेहतरीन आपका ये क्लास होने वाला है। वैसे तो सारा क्लास बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि सारे क्लासेस में सुपर ट्रिक्स से ही सॉल्व कराता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को, लेकिन ये आज का जो क्लास है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास आपका होने वाला है, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आप बहुत ही बेहतरीन चीज सीखने वाले हैं। क्लियर? आपने थंबनेल पर भी देख लिया होगा और यहाँ आप लिखा हुआ क्वेश्चन भी देख पा रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में आता है और स्टूडेंट का ये डाउट होता है। क्लियर? तो आज हम लोग इसको क्लियर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर वन है, 1/a + 1/b + 1/c = 9/26, फाइंड द वैल्यू ऑफ a + b + c। इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिलता है, जो कि अक्सर स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन से भागते हैं और ये क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाते। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इसका सारा ट्रिक्स आपको यहाँ बताने वाला हूँ और चलिए शुरू करते हैं। और आप खूब बढ़िया से समझिए, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, मेरे इस YouTube चैनल वी कुमार लक्ष्य अकादमी रांची, इस YouTube चैनल पर 900 प्लस वीडियोज अपलोड किया जा चुका है, साथ ही साथ 5000 से अधिक नंबर ऑफ क्वेश्चन अपलोड किए जा चुके हैं जो प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड हैं और बहुत ही काम के हैं। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वन बाय वन वीडियो को देखिए और सारा क्वेश्चन, जैसे ये सब जो भी मैथ्स का, रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर बताया हूँ, वो सारा क्वेश्चन को आप अपने कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिए और आप सिर्फ यदि इसी का प्रैक्टिस कर लें तो निसंदेह आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आप ध्यान पूर्वक यहाँ सीखते रहिए। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट, इसका मैं आपको सुपर ट्रिक्स बता रहा हूँ और ये ट्रिक्स क्या है, तो देखिए, जैसा कि हम लोग HCF निकालते हैं भाग विधि से, है ना, तो इस HCF में जैसे 9/26 है, तो इसको हम लोग HCF भाग विधि से निकालते हैं। इसका 26 को हम लोग ने भाग देना है 9 से। क्लियर? 9 से आप भाग देते हैं तो 9 3 27 तो जाएगा नहीं, तो 9 2 18 जाएगा। क्लियर? 26 में से 18 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब इस 8 से इस 9 को भाग देते हैं। क्लियर? तो 8 1 8, है ना, यहाँ बच गया 1। अब इस 1 से इस 8 को भाग देंगे। क्लियर? तो 1 8 बार में जाएगा 8 और ये हो गया यहाँ पर 0। क्लियर? अब यहाँ पर आप बात समझें, मैं थोड़ा सा कैमरा को नीचे क्लोज करके आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाए, है ना। चलिए यहाँ पर समझेंगे कि अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, ये जो HCF जो आप भाग विधि से निकालते हैं ना, तो ये जो वैल्यू आया ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ a। क्लियर? ये जो 1 आया ये हो गया वैल्यू ऑफ b और ये जो आया ये हो गया वैल्यू ऑफ c। क्लियर? वैल्यू ऑफ c। तब डियर स्टूडेंट्स, यू शुड हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c। तो बस पुट अप कर दीजिए, अब क्या करना है ना, a के स्थान पर आपको मिला 2, b के स्थान पर आपको मिला 1 और c के स्थान पर आपको मिला 8। a + b + c, 8 और 1 9 और 9 और 2 11, इसलिए इसका आंसर हो गया 11। क्लियर? तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका ये इस टाइप का क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत स्टूडेंट का फंस जाता है, मतलब वो बना नहीं पाते। क्लियर? तो अब आपका ये कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आप इसको खूब बढ़िया से ध्यान पूर्वक देखिए। क्लियर? और आप इसको खूब अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, है ना। चलिए आप इसको कॉपी पर उतार लेंगे और बनाएंगे और निसंदेह अब आपको इसमें कभी कोई दिक्कत होगा ही नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान पूर्वक देखेंगे और इसको मैं मिटा लेता हूं और दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। चलिए आप ध्यान पूर्वक बने रहेंगे
वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करेंगे, नहीं तो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और इसके बाद फिर अगर पूरा वीडियो आप देखते हैं तो निसंदेह आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2 ये सब आपको बढ़ाते रहिएगा क्योंकि ये सब लिखने में समय लगता है, है ना। चलिए यहाँ पर मान लीजिए जो आपने थंबनेल में जो क्वेश्चन देखा है 63 + 2 √63 + 2 63 + 2 63 + 2 63 और इस तरह से एंड सो ऑन इनफाइनाइट। मतलब यदि ये इनफाइनाइट तक दिया रहे तो क्या होगा, फाइंड इट्स वैल्यू, इसका वैल्यू क्या होगा। क्लियर। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट छोड़ देते हैं परीक्षा में। मान लीजिए परीक्षा में आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन भी रहता है, वो भी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। मान लीजिए ए का 3 है, बी ऑप्शन आपके पास 6 है, सी का 9 है और डी 12 है। क्लियर। 3, 6, 9, 12 है ना। तो कैसे इसको सॉल्व करें डियर स्टूडेंट, ध्यान पूर्वक इसको देखिए, है ना। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 63, तो इस 63 को यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ पर कितना दिया गया है 2। क्लियर। तो इस 63 को हम लोग ने 2 फैक्टर में तोड़ना है, ये ट्रिक्स है ना, ट्रिक्स, क्योंकि लॉन्ग मेथड में बनाएंगे तो काफी लंबा बनेगा, इतना समय आपके पास परीक्षा में नहीं होता। क्लियर। तो शॉर्ट ट्रिक से इसको सीखें, और ऐसा ट्रिक्स आपने आज के पहले कभी नहीं देखा होगा, इस बात की भी गारंटी। तो चलिए 63 है ना, 63 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे, डिफरेंस 2 आना चाहिए, यहाँ रूट के आगे जितना वैल्यू रहे उतना डिफरेंस आना चाहिए। क्लियर। तो क्या करेंगे 7 × 9 है ना, 7 × 9 अगर हम लोग कर दें, 7 × 9 7 × 9 = 63। क्लियर। और यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप यह भी देखें कि 7 और 9 में 2, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, इसलिए 2 अंक का डिफरेंस भी है। क्लियर। 2 अंक का डिफरेंस भी है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा चीज हम लोगों को देखना है कि रूट के अंदर यहाँ पर प्लस 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 एंड सो ऑन आगे बढ़ता हुआ जा रहा है यह सीरीज। क्लियर। तो हम लोग प्लस जब रहेगा ना, क्लियर, प्लस जब रहेगा तो यहाँ ध्यान दीजिए बड़ा वाला अंक आंसर होगा, प्लस रहने पर बड़ा वाला अंक आंसर होगा, तो इसका आंसर कितना होगा 9 होगा। क्लियर। इसका आंसर निकल चुका है 9। क्लियर। प्लस रहने पर बड़ा वाला आंसर होगा और यहाँ माइनस रहने पर ये छोटा वाला आंसर होगा। तो चलिए इस पर हम लोग और कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए। क्लियर। चलिए इसको हम लोग वाइप कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए ऑप्शन को मिटा देते हैं, बाकी यही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहां लिख देते हैं। क्लियर। अगर यहाँ पर क्वेश्चन 1, 2, 3 चेंज करना भूल गए तो आप समझ लीजिएगा खुद से, क्योंकि कभी कभी भूल जाते हैं, है ना। तो स्टूडेंट लोग को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए 88 - √88 - √88 इस तरह का क्वेश्चन रहे एंड सो ऑन इनफाइनाइट का साइन रहे या सिर्फ डॉट 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 किया हुआ रहे तो भी आप यही समझेंगे। इसका ऑप्शन मान लीजिए, छोड़िए ऑप्शन का चक्कर छोड़िए, इसका डायरेक्ट आंसर निकाला जाए, है ना। चलिए यहाँ पर 3 है, ध्यान पूर्वक सीखिए, यहाँ पर 3 है, तो डियर स्टूडेंट 88 को हम लोग 2 पार्ट में ही ब्रेक करना है हम लोगों को, और डिफरेंस कितना आना चाहिए 3। क्लियर। तो 88 को कैसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, तो चलिए 11 × 8 अगर हम लोग करें, क्लियर, तो 11 × 8 88 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, क्लियर, 11 और 8 में यहाँ डिफरेंस कितना
का है, डिफरेंस कितने का है, 8, 9, 10, 11 क्लियर, 3 का, तो 3 का ही डिफरेंस चाहिए क्योंकि यहां रूट के बाहर में 3 है, यही हमारा सुपर ट्रिक्स है, क्लियर। तो क्या करेंगे, दो पार्ट में हम लोग ब्रेक कर लिए, एक 11 आ गया और एक 8 आ गया, लेकिन अब यहां पर ध्यान देना है कि यहां पर माइनस है, इस सभी में क्या है, इस सीरीज में माइनस है, देखिए माइनस माइनस इस तरह से ये सीरीज आगे बढ़ा है, तो माइनस रहने पर छोटा वाला अंक जो आप ब्रेक करते हैं वो आंसर होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस रहने पर छोटा वाला अंक यानी सिर्फ इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8, क्लियर, इसका आंसर 8 हो जाएगा माइनस रहने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर 3 को चेंज करके 4 कर लीजिए, मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 72 क्लियर माइनस 72 माइनस 72 माइनस 72 इस तरह से एंड सो ऑन, ये कहां तक चला गया, ये सीरीज इनफाइनाइट तक, क्लियर। इस तरह से अगर वैल्यू दिया गया है तो हम लोगों को क्या करना है, क्लियर, ध्यान देंगे आप। अब यहां पर रूट के बाहर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, क्लियर, तो यहां पर अपने से मान लेंगे क्या है, 1। अब इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, यहां पर डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1, तो क्या करेंगे, 9 × 8 अगर कर दें, 9 × 8 कर दें तो 72 मिल जाएगा, और 9 और 8 में अंतर कितना है, 1 का अंतर है, क्लियर, डिफरेंस 1 का है, यही हम लोग को चाहिए। तो अब यहां पर सभी में माइनस 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 है, तो माइनस रहने पर छोटा वाला अंक आंसर होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर 8 हो गया, क्लियर। तो काफी इंटरेस्टिंग सुपर ट्रिक्स ये सब है, और आप अगर इसको फॉलो करें तो आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, इस चीज को आपको ध्यान से समझ लीजिए, क्लियर। चलिए हम लोग देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन, और ये सारा क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत होता है परीक्षा में, इसलिए आपको बढ़िया से ये सारे क्वेश्चन को सीख लीजिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा हटकर लेते हैं, इस पर तो आप सीख ही लिए होंगे, और फिर भी अगर कहीं कोई आपको डाउट रह जाए तो डियर स्टूडेंट्स आप सभी कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा अपने डाउट्स को, मैं उसका एक सुपर ट्रिक्स के माध्यम से आपको समझा दूंगा, है ना। मान लीजिए इस तरह का कोई क्वेश्चन है, 2√10 क्लियर, इस टाइप का कोई क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक यहां देखिए, मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है और लिखा हुआ है का वर्गमूल क्या होगा, वर्गमूल क्या होगा, क्लियर। मान लीजिए ऑप्शन भी आपके पास दिया गया है, √3 + √4 √6 - 1 √2 + √5 और मान लीजिए कोई आंसर ऑप्शन है 2 + √5 क्लियर, इस तरह का कुछ ऑप्शन आपके पास यहां पर दिया हुआ है, क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इसको बढ़ा लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, और इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि 7 + √10 का वर्गमूल क्या होगा, ऑप्शन आपके पास दिया गया है इस तरह का परीक्षा में, बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन दिक्कत करता है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स आपको ये दिक्कत नहीं करेगा, बस आप एक छोटा सा ट्रिक्स याद रखिए, इस तरह से इस 10 को आपको दो पार्ट में ब्रेक करना है, इस 10 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, लेकिन कंडीशन ये है कि उन दोनों का सम इसके बराबर, जो पहला वाला अंक है इसके बराबर आना चाहिए, जैसे लिख दें 2 और 5 क्लियर, तो 2 × 5 अगर करते हैं, 2 × 5 अगर करते हैं तो 10 आ गया, क्लियर, 2 + 5 करते हैं तो 5 और 2
यहाँ पर हम लोग 2 और 5 में यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। इसके बाद करना कुछ नहीं है, बस इसके आगे आप ये रूट लगा दीजिए, क्लियर। अगर यहाँ पर प्लस है, क्लियर, यहाँ पर अगर प्लस है तो यू शुड हैव टू पुट प्लस साइन हियर और ये आपका हो गया आंसर। और ज्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, लंबा प्रोसेस से बनाएंगे, फुल मेथड से इसका बनाएंगे तो काफी समय लग जाएगा। इसको आपको करनी में, जिसको आप इंग्लिश में सर्ट्स बोलते हैं, सर्ट्स में इसका स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पर हो सकता है आपका डाउट ये रहे कि सर अगर हम इसको तोड़े तो हो सकता है हम पहले 5 लिख दें और बाद में 2 लिखें, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी बस रूट चढ़ा दीजिए। तो रूट 5 प्लस रूट 2 ऑप्शन में आप देख लीजिए, एक ही ऑप्शन कोई भी आपको देगा तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रूट 2 प्लस रूट 5, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। और इस तरह से आप शॉर्टकट ट्रिक्स में बहुत ही आसानी से आप आराम से सब कुछ बना लेंगे, क्लियर, बहुत ही कम समय में आप परीक्षा में बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन है 8 - 2√15, है ना, 8 - 2√15, और इसका ऑप्शन मान लीजिए परीक्षा में जो दिया जाता है, इस तरह से कोई ऑप्शन ले लेते हैं, चेंज कर देते हैं ऑप्शन, या फिर छोड़िए ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर ही जब पता चल जाएगा तो ऑप्शन लेके क्या करेंगे, है ना। तो चलिए 15 को दो भाग में ब्रेक करेंगे। कंडीशन ये है उन दोनों का जो सम होगा वो 8 के बराबर आना चाहिए, क्लियर, दो पार्ट में इसको ब्रेक करेंगे। तो 15 को क्या ब्रेक किया जा सकता है, तो 5 और 3, तो 5 × 3 अगर करते हैं तो 15 हो जाएगा, क्लियर। तो पहला कंडीशन इसको ब्रेक करना था तो 5 × 3 15 हो गया। अब अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, 5 और 3 को जोड़ दें, तो क्या आ जा रहा है, 8 भी आ रहा है, क्लियर। यदि ध्यान से सीखिए, 5 और 3 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 8 भी आ रहा है, 8 आना चाहिए, क्लियर। तो बस अब आपका काम हो गया। अब क्या करेंगे, ये जो 5 और 3 ब्रेक हुआ है बस इस पर रूट लगा दीजिए, ये 5 और ये 3 जो ब्रेक हुआ है इस पर रूट लगा दीजिए। और डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, यहाँ पर माइनस है तो यू शुड हैव टू पुट माइनस साइन हियर, क्लियर। तो रूट 5 - √3 आपका आंसर हो गया। अगर आप इसको इस तरह से भी लिखें, √3 - √5, तो भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर आप ब्रेक करते समय, क्लियर। तो ऑप्शन में या तो ये रहेगा नहीं तो ये रहेगा। अब और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब माइनस करना है, ध्यान रखिएगा जब माइनस करना है तो ज्यादातर आप कोशिश करें कि बड़ा अंक पहले रहे। जैसे अगर यहाँ पर मान लीजिए √3 - √5 करते हैं तो √3 का वैल्यू कम आएगा, √5 का वैल्यू ज्यादा आएगा। तो आपको बस ध्यान ये रखना है, प्लस वाले में तो कोई झंझट नहीं था, माइनस वाले में आप बड़े अंक को आगे रखें, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और खूब बढ़िया से सारे क्वेश्चन को आप लोग अपनी कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है √7 - √5, क्लियर। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन के लिए ऊपर में थोड़ा सा जगह चाहिए। तो चलिए आप सीखिए बढ़िया से। मान लीजिए क्वेश्चन है √7 - √5, क्लियर, √7 - √5 / √7 + √5, क्लियर। बस सॉल्व इट, है ना, इसको सॉल्व किया जाए। अब यहाँ पर इसके साथ ये लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, ज्यादातर क्वेश्चन में सिर्फ लिखा रहेगा सॉल्व इट, या हिंदी में लिखा रहेगा तो हल करें, क्लियर। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देना है बस ये है कि यदि √7 - √5, क्लियर, तो यहाँ पर आपको बस ध्यान ये देना है कि
यहां पर देखेंगे हम लोग 7 और 5 है ना, ये प्लस रहे माइनस रहे कोई दिक्कत नहीं है, 7 में से 5 है ना, 7 और 5 में अंतर कितना है 2 का, क्लियर। 7 में से 5, 7 और 5 का अंतर कितना है 2 का। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ऊपर वाला जो ये टर्म है ना अंक, इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्लियर। तो 7 और 5 कितना हो गया 12, क्लियर। ध्यान रखिएगा ऊपर में प्लस हो, ऊपर में प्लस हो या माइनस हो उससे कोई लेना देना नहीं है, आपको हमेशा इस अंक को जोड़ना है। तो 7 और 5 12 हो गया। नीचे वाला जो अंक है यहां पर प्लस हो या माइनस हो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर घटाना है आपको तो कितना हुआ 2। अब इसको इससे भाग लगा दीजिए, कितना हो गया 6, 12 में से 2, 12 को 2 से भाग लगाएंगे तो 6 बच गया, क्लियर। अब आप क्या करिए, ध्यान दीजिए यहां पर ये आप लिख दीजिए 6, क्लियर। इसके बाद रूट का साइन लगाइए और ऊपर वाले अंक को दोनों को गुणा कर दीजिए, 7 और 5 कितना हो गया 35, 7 और 5 कितना हो गया 35, क्लियर। अब यहां पर ऊपर वाले साइन को यहां पर देखिए, ये माइनस है तो बस यू शुड हैव टू पुट माइनस साइन हियर, हो गया आपका आंसर। अब इसको कोई सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, बस देखिए फिर से एक बार इसको समझाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नीचे वाला जो टर्म रहेगा उसको घटाएंगे, 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ गया, ऊपर वाले अंक को दोनों को जोड़ देंगे 7 और 5 12, 12 को यहां नीचे वाला अंक घटाने के बाद जो भी आए आप उसको इससे भाग लगा देंगे, तो भाग लगने पर आया 6, क्लियर। और उसके बाद ऊपर वाले अंक को आपस में गुणा कर देंगे, 7 और 5 को गुणा कर दिए 35, हो गया आपका आंसर। तो ऐसा मजेदार और सुपर ट्रिक्स आपने आज के पहले नहीं देखा होगा, इस बात का भी मैं गारंटी लेता हूं, क्लियर। चलिए अब हम लोग इसी पर कुछ दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए। ध्यान से पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे, कहीं भी स्किप नहीं करेंगे, तो आपको ये सारा क्वेश्चन कभी भी परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं करेगा। चलिए मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है रूट फाइव प्लस रूट थ्री बाय रूट फाइव माइनस रूट थ्री और सॉल्व इट या हल करें, है ना, यही करना है। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिए, मैंने अभी क्या सिखाया था कि 5 में से 3 को घटाकर देखेंगे, तो 5 में से 3 घट गया आ गया 2 और ऊपर वाले टर्म को जोड़ देंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप में हम लोग इसको जोड़ देते हैं तो ऐड करेंगे, क्या होगा 5 और 3 8 और नीचे वाला अंक है 2, भाग लगा दीजिए कितना आ गया 4, है ना। अब ऊपर वाले अंक को गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 3 कितना हो गया 15 और ऊपर में यहाँ पर प्लस साइन है तो इस बार आपको यहाँ पर प्लस कर देना है, क्लियर। बस यही हो गया आपका आंसर, अब कहीं कोई दिक्कत आपको परीक्षा में नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने का कोशिश करते हैं, है ना। कोशिश क्या करना है, 100% आपको समझ में आएगा ही बात, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर भी अगर कहीं आपको कोई दिक्कत रह जाए आप कमेंट सेक्शन में जरूर, जो भी आपका दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में आप पूछें, मैं उसका आपको हल तुरंत बता दूंगा, क्लियर। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज में है, चलिए इसको लिखते हैं। दो संख्याओं का योग है ना, दो संख्याओं का योग क्लियर और गुणनफल, दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और क्वेश्चन लिखने में बस जो समय लगे आंसर आपका तुरंत रेडी रहेगा, 12 और 35 है, दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 और 35 है, तब उनके
व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में आता है, का योग क्या होगा? क्लियर? बस है ना, दो संख्याओं का यहां पर आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन है, मान लीजिए ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया गया 1/3, सेकंड ऑप्शन मान लीजिए परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है ये 1/5, और सी थर्ड नंबर क्वेश्चन है 12/35, और फोर्थ ऑप्शन मान लीजिए कुछ भी है 4/27 या इस टाइप का कुछ भी दिया है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 है, और 12 और 35 है, तब उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जब भी देखें, आप यहां पर आराम से 12 जो दिया रहे, गुणनफल योग जितना दिया रहे और गुणनफल जितना दिया रहे, बस हो गया आपका आंसर, है ना। अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करने का है, 12/35 इसका आंसर हो गया। क्लियर? 12/35। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ में इसको मैं समझा देता हूं आपको। क्लियर? मान लीजिए दो संख्याओं का योग है ना, ए प्लस बी, मान लीजिए कोई दो संख्या है ए प्लस बी। क्लियर? इनका दो संख्याओं का योग और गुणनफल 12 है, और 12 और 35 है, तब उनका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब होता है रेसिप्रोकल, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/a, और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b। अगर इसको सॉल्व किया जाए, क्लियर, अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्या होगा, ab/a+b, यही होगा ना, a+b/ab, क्योंकि a और b का एलसीएम जाएगा ab, b क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, a क्रॉस मल्टीप्लाई होगा a+b। तो डियर स्टूडेंट, दो संख्याओं का योग और उसका गुणनफल का आप देख रहे हैं कि a+b/a×b, यही हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का योग और गुणनफल आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, दो संख्या का योग हो गया 12 और इसका गुणनफल हो गया 35, तब उनके व्युत्क्रम का योग क्या होगा? तो दिया हुआ है, यू शुड हैव टू पुट द वैल्यू 12/35, हो गया आंसर। क्लियर? तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, और हम लोग अगले वीडियो में और भी धमाकेदार क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षा में हिट करते हैं। क्लियर? आते हैं वो क्वेश्चन। तो आई होप आज का जितना भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया है यहाँ पर, आपको इसमें थोड़ा भी तनिक भी आपको इसमें डाउट नहीं रहा होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। तो अगले दिन फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, और अगर आपको कोई डाउट इसमें रह जाता है तो निसंदेह आप उसको कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं उसका आपको एक सुपर ट्रिक्स दे दूंगा। क्लियर? क्योंकि क्लास में जो बच्चे यहाँ पर हमारे यहाँ पढ़ाई करते हैं, उनको तो सारा कुछ कहीं कोई दिक्कत होता नहीं, लेकिन ऑफलाइन मोड में आप लोग जो बच्चे दूर हैं, जो मेरे इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये मेहनत किया जा रहा है। और फिर से मैं बता दूं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर 900+ वीडियोज, इसी तरह का धमाकेदार वीडियोज अपलोड है। हाँ, ये हो सकता है कि वीडियो का क्वालिटी मतलब थोड़ा सा खराब हो, क्योंकि जैसे यहाँ पर पढ़ाए इसी तरह का वीडियो को अपलोड कर दिए। क्लियर? तो आपको वीडियो का क्वालिटी बढ़ाने के लिए आप वीडियो के ऊपर 3 डॉट्स में चले जाएंगे, वहाँ से थोड़ा सा हाई रिजोल्यूशन बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा सा नेट का स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई अच्छा से आपको सारा कुछ दिखने लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।